सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। सो आज है टारगेट 30 डेज क्लास का 5। ठीक है, तो बीच में एक दो दिन क्लास मिस हो गई थी, बट उसके लिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अब आपको रेगुलरली क्लास मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना, आज क्लास नंबर 5 है। इसके पहले 4 क्लास 30 डेज का मिल गया है, एंड साथ ही साथ लगभग 40 से 42 वीडियोज आपको मिल गई हैं, जनरल नॉलेज प्लस हिंदी प्लस पॉलिटी के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप BHU की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे आप इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, CUCET किसी की भी कर रहे हो जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे एंड जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पिछली वीडियो से। पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि काले वन ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी कहाँ पर है, आप में से अगर किसी को भी पता है तो प्लीज बता देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज से स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल इंप्रूव स्ट्रीम मैट 2 ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने देश के 112 जिलों के बच्चों के लिए तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संस्था के साथ करार किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, CAA का। ठीक है, एंड करंट अफेयर पूछा जाता है एग्जाम में, तो बायजूस ने, या फिर गूगल इंडिया, या फिर व्हाट्सएप इंडिया, या फिर अनअकैडमी। तो अगर हम बात करें नीति आयोग के हिसाब से फ्रेंड्स, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए, तो वो स्टार्ट किया गया, मतलब वो टाइप किया गया बायजूस इंडिया से। ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का विषय क्या है। प्राकृतिक समय, कूड़ा बिन में रखें ना कि समुद्र में, प्राकृति को बचाना है, सफाई रखना है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का विषय है वो है कि कूड़ा बिन में रखें ना कि समुद्र में। एक और चीज, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, उनकी थीम आपको याद करना होता है, क्योंकि डेज जनरली अब नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे डेज, लेकिन अब क्या पूछे जाते हैं, थीम पूछे जाते हैं, क्योंकि थीम बहुत कम स्टूडेंट याद करते हैं, वो तो डेज याद कर लेते हैं कि इस दिन ये मनाया जाता है, इस दिन ये मनाया जाता है, एंड उसमें थीम क्या रखेंगे, थीम इट्स मीन कि अब इसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, वो नहीं याद करते, जबकि इंपॉर्टेंट वही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी कौन होंगे, इंदु मल्होत्रा, RK अग्रवाल, प्रफुल्ल चंद्र पंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल, तो ये होंगे इंदु मल्होत्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, आगे अभी आपको पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मिलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि 2021 अंतर्राष्ट्रीय यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया है। ये इको मीन्स की इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण, तो यंग इको हीरो के रूप में फ्रेंड्स ये दिया गया है अयान संकटा को। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आपको देख लेना है, ठीक है, एंड याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, कह रहा है कि लाल मृदा, ये फ्रेंड्स मृदा होगा, में लाल रंग किसका आलेखन के कारण आता है, मतलब किसके मिलने के कारण जो लाल मृदा है उसमें लाल रंग आती है, लोहा, सोडियम, कॉपर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आता है Fe, ठीक है, लोहा की वजह से, एंड Fe क्या होता है फ्रेंड्स, इसका परमाणु क्रमांक तो होता है 26। ठीक है, Fe आयरन जिसको बोलते हैं, तो लोहा की वजह से मृदा जो होती है वो लाल हो जाती है। ठीक है, एंड लाल मृदा कहाँ कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो मध्य भारत में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, फसलों का अपवर्तन क्यों अनिवार्य है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपवर्तन, तो इसका मतलब है कि फसल को फ्रेंड्स अल्टरनेटिव, ठीक है, इस तरीके से, तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि अगर हम अल्टरनेटिव फसल को उगाएंगे तो इससे क्या होगा, मृदा की उर्वरता इंक्रीज होगी, क्योंकि उसमें अलग फसल हो रहा है, साथ ही साथ मृदा की उपजाऊपन, तो जाहिर सी बात है उर्वरता किससे संबंधित है, उपजाऊपन से। तो अगर उर्वरता बढ़ेगी, यानी कि फर्टिलिटी बढ़ेगी, तो उपजाऊपन भी बढ़ेगा। आप काफ़ी स्टूडेंट्स में से पता होगा फर्टिलिटी, ठीक है, खेतों में फर्टाइल छोड़ा जाता है ताकि जो मृदा है वो अधिक उपजाऊपन हो। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये भी है कि अपने खेत को
2 से 3 महीने के लिए आप ऐसे छोड़ दो तो वो वैसे ही फर्टिलिटी हो जाएगी। किसी मरुस्थल क्षेत्र में अपरदन को रोका जा सकता है, तो देखो फ्रेंड्स यहां पर पूछ रहा है मरुस्थल क्षेत्र में, तो पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा या फिर पेड़ काटकर या फिर ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों नहीं। तो देखो फ्रेंड्स कोई भी चीज पेड़ काटकर तो केवल लकड़ी के अलावा एंड कोई भी चीज तो सेफ नहीं कर सकते, पर्यावरण तो बिल्कुल भी पेड़ काटकर सेफ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें अपरदन को रोकना तो पेड़ लगाकर डेफिनेटली रोका जा सकता है, वन रोपण पेड़ लगाने के अंतर्गत ही आता है, तो ए इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में फ्रेंड्स बांस लगाया जा रहा है, ठीक है, बोल्ड प्रोजेक्ट बोल्ड चल रहा है, आपको पता होगा राजस्थान में, तो वहां पर बेसिकली जमीन जो ज्यादा बंजर हो रही है उसको भी सेव करने के लिए एंड साथ ही साथ अपरदन को भी कम करने के लिए वहां पर प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया जा रहा है, जिसके तहत बहुत सारे वहां पर बांस उगाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रवाल भित्ति या समुद्री प्रारूप है शीतोष्ण कटिबंधीय ऊर्षा वनों की, या फिर उष्ण कटिबंधीय ऊर्षा वनों की, या फिर कटिबंधीय वर्षा वनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें प्रवाल भित्ति ना, तो यह है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की, ठीक है, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवाल भित्ति कहां पर पाई जाती है, तो समुद्रों में ज्यादा पाई जाती है। आपको पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वो प्रवाल भित्तियों की वजह से ही शायद से बना, ठीक है, एंड सबसे बड़ा रीफ है आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसके पूरब में, ठीक है। चलिए, प्राकृत में सबसे सशक्त बल है, ये आपको पता होना चाहिए, साइंस का क्वेश्चन है कि सबसे सशक्त बल कौन सा है, नाभिकीय बल है, संपीडन बल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे सशक्त बल ना, तो वो है नाभिकीय बल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बल होता है। हालांकि संपीडन बल भी स्ट्रांग होता है, संपीडन बल यानी कि कंप्रेसिव फोर्स, जो फ्रेंड्स अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से टकराती है तो यहां पर क्या उत्पन्न होता है, कंप्रेसिव फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक और चीज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एंड अगर पहले वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए, या फिर टेलीग्राम पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो दोनों ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इंप्रूव स्टडी मैट 2 पर, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो फाइबर ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये कार्य करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप अच्छे से देखना, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल इस समय बहुत ही ज्यादा, फ्रेंड्स इस समय नहीं, फाइबर ऑप्टिकल ही ज्यादा से ज्यादा जो इंटरनेट आपके माध्यम तक पहुंचते हैं तो वो फाइबर ऑप्टिकल के माध्यम से ही पहुंचते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए नीचे समुद्र के अंदर से फाइबर ऑप्टिकल ही बिछाया जाता है, ठीक है, एंड ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर वर्क करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, ठीक है, तो जब प्रकाश वाटर से होकर कांच में जाता है तो फिर वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए जो फ्रेंड्स फाइबर ऑप्टिकल बिछाया जाता है वो समुद्र के एकदम नीचे बिछाया जाता है ताकि वहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो ना पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन है, परावर्तन है, या फिर अपवर्तन परावर्तन दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड्स अपवर्तन परावर्तन दोनों तो कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम बात करें पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है तो वो अपवर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण कम गहरी दिखाई देती है पानी की टंकी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया था जेड जॉनसन ने, ठीक है, जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है तो प्लीज देख लेना, प्रकाश तरंगे जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, तो देख लेना आप लोग। एक और चीज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, आगे आपको शाम को हो सकता है हिंदी के क्वेश्चन मिले जिसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल सकते हैं हिंदी के, क्योंकि हिंदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा, ठीक है।